didn't hit you back when you call my line. Or did you even need to talk? Or you waste. Assalamu alaikum my friends and welcome back to my vlogs. तो सुबह हो गई है और नवाज के लिए मैं लंच पैक कर रही थी, तो दो रोटी देनी पड़ती है उसको. एक में मैंने पनीर वाली सब्जी डाली थी और एक को मैंने मेयोनीज में रोल कर दिया था, क्योंकि वो 4 बजे आता है अपना टेनिस क्लास वगैरह करके. तो जी ये लाई थी मैं महेश्वरी से स्टैंड, जिसमें शेल्फ लाई थी जिसमें बुक्स रखने के लिए काम आएंगे, इसलिए इसके क्योंकि मुझे शेल्फ बनवाना था और कारपेंटर आया नहीं हमारे घर पर, तो मैंने क्या किया ना महेश्वरी से ये रेडीमेड तब तक के लिए शेल्फ ले आई. जब तक कारपेंटर आएगा तब तक पूरा घर मैसी हो रहा है, बुक हो रहा है, और बुक की शेल्फ बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी मुझे, तो मैं ये शेल्फ ले आई. 950 का 1100 को पड़ा है, सॉरी 1100 को पड़ा था. और मैंने साइड में जो इस तरह से लगा दी है, और जगह बिल्कुल भी नहीं है हमारे घर में, बिल्कुल ही 1 इंच जगह नहीं है कि मैं कुछ ला के रखूँ. मेरा बहुत मन था कि मैं एक शीशे का डाइनिंग टेबल ला के रखूँ, लेकिन मेरे घर में जगह बिल्कुल भी नहीं है. तो इधर जो कोने में जगह बची थी यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया और बुक्स इस तरह से सेट हो गए. हाँ जी, तो कुरान शरीफ प्लिक के लिए मैंने जो शेल्फ मंगवाई ये कॉर्नर ले लिया मैंने. यहाँ पे मुझे शेल्फ बनवानी थी और वही प्रॉब्लम, तो मैंने इस तरह की कॉर्नर ले ली है. कॉर्नर महेश्वरी में सब कुछ अवेलेबल होता है, तो महेश्वरी से मैं लेके आई हूँ. 250 का ये पड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हैवी है, स्टील का है. तो इस तरह से कुरान मेरा बिल्कुल सेफ़ है. अभी आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने कुरान को अच्छी जगह सेट कर दिया, ब्याद भी नहीं हो गया, मतलब ब्याद भी नहीं होनी चाहिए. और इस तरह से लैम्प जो है मैंने नीचे लटका दिया, लेकिन कुरान सेफ है. और देखती हूँ मैं इसको घर को फिर से पेंट करवाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मन है कि मैं कहीं और शिफ्ट कर जाऊँ, कुछ और बड़ा सा घर ले लूँ. आज फ्रेंड्स मैं आज पता है मैंने क्या ट्राई किया था? आज मैंने आई लैशेस ट्राई किया था, आई लैशेस लगाए थे मैंने और अच्छा लग गया था. मैंने रील्स बनाए हैं, आप रील्स में जाके देख लेना. थोड़ा सा इधर से पूरा फिक्स नहीं हुआ था क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम लगाई है रील्स, मैंने फर्स्ट टाइम आई लैशेस ट्राई किया था, फर्स्ट टाइम, तो अच्छा लगा था. लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कट गया था, लेकिन अच्छा लगा था. आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके रील्स पे देखिएगा. तो इस बार मैं भी वजह से क्या लाई हूँ, मैंने आपको दिखाया था शॉर्ट्स में मैंने डाला था गाइस, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिला है इस बार मुझे, 20-20 रुपये का लोकल है, लेकिन इसका पिगमेंटेशन इतना अच्छा है गाइस, इतना अच्छा, मैं आपको क्या बताऊँ. ज़्यादा क्वान्टिटी है, जो ऐसे हम लोग नॉर्मली लाते हैं पेंसिल उसमें बहुत कम होता है ना, इसमें क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है. अगर ये देखिए गाइस बहुत ही इजीली अप्लाई हो रहा है, क्रीमी टेक्सचर का है. ये चीज़ जो मैं लाई हूँ ना 20 रुपीज़ में गाइस, इतना अच्छा मिला है. वो ब्लेंड किया ना, बहुत अच्छा ब्लेंड हो गया था और बहुत ही सॉफ्ट हो गया था. ये इसका ये देखिए गाइस, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था. तो मैं बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं. कशिश तो दिल दिल में इतनी खुश हो गया है. ये देखिए पता नहीं क्या बनाया है इसने, मुझे तो समझ में नहीं आया था, ग्लू भी निकल गया इधर से. और देखो वो उसने अपना नाम जो है वो छुपा के रखा हुआ है, ये देखो छुपा के लिखा है. पता नहीं ये इसको क्या डेकोरेशन कहते हैं. ये इसको रख दिया, फ्रिज खाली दिख रहा होगा आपको क्योंकि मैंने खाली कर. सो फ्रेंड्स आज मंगलवार है ना, तो आज मंगलवार को हम लोग सभी सब्जी बाजार जाएंगे और सब्जी जो अच्छी सब्जी मिलेगी वो लेके आएंगे. मतलब मंगल बाजार में मिलते हैं, ठीक है? मैं भी खाना बना लेती हूँ और मंगल बाजार में मिलते हैं. बाय. कितना किलो कर रहे हो?